डियर स्टूडेंट, हम लेक्चर 7 स्टार्ट कर रहे हैं और लेक्चर नंबर 7 में हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 का पहला सवाल कंटिन्यू करेंगे। पहले सवाल में क्या हमारे पास, फाइंड ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ, और पहले पार्ट में स्टूडेंट माइनस का 8। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि एक्स बी या क्यूब रूट। अच्छा, हमने इससे पहले जो सवाल लिखा था उसमें क्या था, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो हमने एक्स क्यूब को 1 के बराबर लिया था। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमें वैल्यू दी हुई है कि हमें माइनस 8 के क्यूब रूट्स मालूम करने, माइनस 8 के हमें 3 रूट्स मालूम करने, तो हमने यहाँ पे लिखा लेट एक्स बी आर क्यूब रूट। तो एक्स क्यूब जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस के 8 के। स्टूडेंट, ये माइनस का 8 इस तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। यहाँ से क्यूब बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स का क्यूब। 8 की जगह पे एक ऐसा नंबर आ सकता है जिसका क्यूब जो है 8 के बराबर हो, तो क्या होगा, 2 होगा। 2 का क्यूब जो है स्टूडेंट वो किसके इक्वल होगा, 8 के। किस तरह, 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। ये हो जाएगा स्टूडेंट ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हम इस फॉर्मूले की मदद से अपने ऊपर वाले टर्म को क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। जब इसे एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट, एक्स प्लस 2। इसके बाद क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। स्टूडेंट ए की जगह पे क्या आ जाएगा, ए की जगह पे आ जाएगा स्टूडेंट एक्स, और बी की जगह पे स्टूडेंट क्या आ जाएगा, बी की जगह पे आ जाएगा स्टूडेंट 2। और ये सब किसके इक्वल है स्टूडेंट, ये बराबर है 0 के। एक्स प्लस 2 आ जाएगा एज इट इज, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट एक्स स्क्वायर, माइनस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जब 2 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x, और प्लस का क्या हो जाएगा 4, और ये किसके इक्वल है स्टूडेंट, ये इक्वल है 0 के। इसके बाद क्या कर सकते हैं स्टूडेंट हम यहाँ पे, इसके बाद हम कर सकते हैं इसे आइदर और, आइदर और एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, और स्टूडेंट क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट इसके बाद क्या होगा, ये प्लस का 2 है, इधर आगे क्या हो जाएगा स्टूडेंट माइनस का 2, तो एक्स इक्वल हो जाएगा माइनस के 2 के। एक रूट हमें मिल गया, और स्टूडेंट यहाँ पे क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। किस तरह, हम कहेंगे भाई ए जो है वो किसके इक्वल है, 1 के, बी इक्वल है माइनस 2 के, और सी इक्वल है कि स्टूडेंट इसके 4 के। हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और स्टूडेंट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे स्टूडेंट, तो एक्स जो है वो इक्वल हो जाएगा माइनस 1, बी की जगह पे आ जाएगा स्टूडेंट माइनस का 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट। इसके बाद क्या है स्टूडेंट, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो बी की जगह पे आ जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे क्या आ जाएगा 1, और सी की जगह पे क्या आ जाएगा 4, और डिवाइडेड में हमारे पास क्या है स्टूडेंट 2a, ए की जगह पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट 1। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस के 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, माइनस 4 1 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16 डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ा 2। ये हो जाएगा स्टूडेंट 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 में से जब 4 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 12 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, आयोटा बन जाएगा। आप यहाँ पे हिंट देंगे, सिंस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 किसके इक्वल होता है, आयोटा के, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब हमें क्या करना है, हमें इस स्क्वायर रूट ऑफ 12 को सिंप्लीफाई करना है,
तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। स्टूडेंट यहाँ पे किसी नंबर का पेयर बन रहा है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इस 2 का क्या बन रहा है, पेयर बन रहा है। तो जिस नंबर का पेयर बन रहा होगा वो रूट से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 ± 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। और ऊपर से कोई नंबर कॉमन आ रहा है, तो क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे, यहाँ 2 कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2 1 2 ± 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। और 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। जब 2 से 2 हम कैंसिल कर देंगे तो x जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, x इक्वल हो जाएगा 1 ± स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। तो दो आंसर तो x के यहाँ से मिल गए और एक रूट हमें यहाँ से मिल गया था, तो ये 3 रूट हो गए। इसके बाद हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसका सॉल्यूशन सेट बना देंगे। तो पहला रूट हमें क्या मिला था, माइनस का 2, और बाकी दो रूट्स क्या हैं, 1 ± अंडर रूट 3 आयोटा। स्टूडेंट ये सवाल यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसका हम एक और पार्ट देख लेते हैं, पार्ट नंबर 4, 729। अब फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 729। तो हम यहाँ पे लेट कर देंगे, लेट x बी आर क्यूब रूट ऑफ, और x क्यूब जो है स्टूडेंट वो किसके इक्वल हो जाएगा, आप 729 के। ये प्लस का 729 स्टूडेंट, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब देखें ये तो या जो यहाँ से क्यूब बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x का क्यूब। अगर हम यहाँ से क्यूब बाहर निकालें तो कोई ऐसा नंबर है जिसका क्यूब 729 के बराबर हो, तो वो नंबर कौन सा है, 9। तो ये हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो है वो किसके इक्वल होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम अपनी टर्म को क्या कर लेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, एक्स यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए माइनस का बी, तो ए की जगह पे स्टूडेंट क्या आ जाएगा, एक्स माइनस बी की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 9। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट ए स्क्वायर प्लस ए, बी की जगह पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 9, और प्लस के बाद क्या लिखा हुआ है, बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है स्टूडेंट, 0 के इक्वल है। ये x माइनस 9 आ जाएगा एज इट इज, ये हो जाएगा स्टूडेंट x स्क्वायर। जब 9 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9x, और जब 9 का स्क्वायर लेंगे तो 9 का स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 81। इसके बाद हम क्या कर लेंगे, वही आइदर और कर लेंगे। तो x माइनस 9 जो है स्टूडेंट वो किसके इक्वल है, 0 के, तो ये माइनस का 9 है, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, प्लस का 9, तो x जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 9 के। तो हमें फर्स्ट रूट मिल गया 9, बाकी दो रूट्स हमें कहाँ से मिलेंगे, बाकी दो रूट्स हमें यहाँ से मिलेंगे। इक्वेशन क्या है हमारे पास, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस का 81। अभी स्टूडेंट यहाँ पे ए जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए जो है वो किसके इक्वल है, 1 के। बी किसके बराबर है स्टूडेंट, बी बराबर है 9 के, और सी जो है स्टूडेंट वो किसके इक्वल है, 81 के। हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज़ करते हुए एक्स की दो वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। किस तरह, एक्स बराबर है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 है। बी की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, बी की जगह पे आ जाएगा 9 प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो बी की जगह पे स्टूडेंट आ जाएगा 9 माइनस का 4ac, और सी की जगह पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 81। डिवाइडेड में क्या है, 2a, और ए की जगह पे 1 है, इसे देख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस का 9, और 9 का स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 9 का हो जाएगा 81। इसके बाद क्या करेंगे, 4 1 4, और जब हम 4 को 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 324, और डिवाइडेड बाय क्या है स्टूडेंट, 2।
ये माइनस का 9 जो है एज इट इज आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 324 में से 81 माइनस करना है। जब 324 में से 81 माइनस करेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, 4 में से 1 करेंगे 3, टू फोर्टी थ्री, और डिवाइड में स्टूडेंट हमारे पास क्या आ रहा है, 2 है, और साइन कौन सा आएगा, माइनस का, और स्क्वायर रूट में अगर माइनस वन आ जाए तो वो किसके बराबर होता है, आयोटा के। तो ये हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट माइनस का 9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 243, और आयोटा आ जाएगा बाहर, और डिवाइड में हमारे पास क्या है स्टूडेंट, 2। अब हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 243 को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। हम किस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हम 3 के टेबल से कर लेते हैं, 3 के टेबल में किस तरह होगा स्टूडेंट, ये 3 8 24, 3 1 3, 3 2 6, और 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, और 3 1 3। तो आप देख सकते हैं कि हमें ये सारे फैक्टर्स मिल गए। अब इसमें कोई पेयर बन रहा है, तो यहाँ पे एक पेयर बन गया 3 का ये, और एक पेयर बन गया 3 का ये, तो 2 3 बाहर आ जाएंगे। ये हो जाएगा माइनस का 9 प्लस माइनस 3 × 3, और स्क्वायर रूट के अंदर क्या रह जाएगा स्टूडेंट, 3 iota / 2। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट माइनस 9 प्लस माइनस 3 3 9 स्क्वायर रूट ऑफ 3 iota / 2। ये जो वैल्यूज हैं स्टूडेंट किसकी आ गई, x की। तो हम अपना सॉल्यूशन सेट क्या बना सकते हैं, हमें 3 वैल्यूज मिल गई ना, पहली मिल गई हमें 9, और बाकी दो रूट्स हमें क्या मिले, माइनस 9 प्लस माइनस 9√3 iota / 2। तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या बन जाएगा, 9, −9 प्लस माइनस 9√3 iota / 2। स्टूडेंट लेक्चर नंबर 7 जो है वो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम इसके बाद जो लेक्चर होगा उसके तरफ इसी टॉपिक को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, और ये लेक्चर हमारा क्या हो गया, कंप्लीट।